आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। यदि हम लोग चैप्टर को हिंदी में बात करें, देखिए इस चैप्टर में बेसिकली आपको आपके आसपास में जो भी पदार्थ होते हैं, ओके मैटर होते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि उनका क्या स्टेट होता है, वो कैसे दिखते हैं, उनका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस चैप्टर में बताई गई है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स साइजेस एंड टेक्सचर्स। यदि हम लोग अपने आस पास में देखेंगे तो हम लोग को डिफरेंट तरह के मैटर्स दिखेंगे जिनका साइजेस अलग होगा, जिनका शेप अलग हो सकता है, उसके साथ साथ हो सकता है कि उनका कलर जो है, टेक्सचर जो है, वो भी अलग अलग हो। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। अब इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी मटेरियल से बने हुए हैं जिनको साइंटिस्ट ने नाम दिया मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। बोला जा रहा है कि जिस एयर को हम लोग ब्रीथ करने के काम में लाते हैं, ओके जो एयर हम लोग ब्रीथ करते हैं, उसके साथ साथ जो खाना हम लोग खाते हैं, जो स्टार्स होते हैं, जो क्लाउड्स होते हैं, ओके उसके साथ साथ जो स्टोन्स पत्थर होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसके साथ वाटर का छोटा सा बूंद, ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर से ही बनी हुई होती हैं। यहाँ तक कि आप लोग देखते होंगे कि रेत कितना छोटा है, बट वो रेत का जो एक छोटा सा पार्टिकल होता है ना, वो भी मैटर से ही बना हुआ होता है। ओके एवरीथिंग इज मैटर, सारी चीजें क्या है, मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशनड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। मतलब यदि हम लोग अपने आसपास की सारी चीजों को ध्यान से देखेंगे तो हम लोग इस चीज को देखेंगे कि जो भी चीजें अभी ऊपर में हम लोगों ने बात की, सैंड की बात की, उसके साथ साथ क्लाउड्स हो गया, स्टोन्स हो गया, ये सारी चीजें जो है वो स्पेस यानी जगह को घेरती है। यानी जब हम लोग उसे किसी बॉक्स में मान लीजिए डाल देते हैं तो उतना जगह जो ऑक्यूपाई कर लेती है। अब उतने जगह में हम लोग उसके अलावा यदि जब तक उसे निकालेंगे नहीं, उसको छोड़ करके हम लोग उसमें और कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, ये आप लोग समझ लीजिए। ओके मतलब मान लीजिए एक बॉक्स है, ओके उसके अंदर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सा स्टोन डाल दिया। अब हम लोगों को उसमें और छोटे छोटे स्टोन्स डालने हैं, हम लोगों को मान लीजिए 50 स्टोन डालने हैं और एक बड़ा स्टोन है, तो जब तक हम लोग एक बड़े स्टोन को जो हम लोग पहले डाले थे उसे तो हम लोग नहीं निकालेंगे, हम लोग 50 छोटे छोटे स्टोन्स को उसके अंदर नहीं डाल सकते हैं। यानी जो भी छोटी से छोटी चीज़ होती है वो जगह को ऑक्यूपाई करती है, उसके साथ साथ उनका वॉल्यूम भी होता है। ये आप लोगों को इसे अच्छे से समझना होगा कि जो मैटर होते हैं उनके वॉल्यूम भी होते हैं, उसके साथ साथ वो जगह को भी घेरते हैं। ओके मास भी होता है, उसके साथ साथ वॉल्यूम भी होता है, मास मतलब वजन भी होता है उनका। ओके नेक्स्ट आता है, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। देखिए शुरुआत से ही अर्ली टाइम से ही ह्यूमन बींग जो है वो अपने आस पास की चीज़ों को समझने के लिए कोशिश कर रहा होता है। जो पहले के इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स के रूप में क्लासिफाई किया है, कौन कौन से हैं, और उन्हें पंच तत्व भी कहा जाता है। पंच तत्व में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए एयर हो गया, अर्थ हो गया, फायर हो गया, स्काई हो गया, वाटर यानी हवा, धरती, आग यानी अग्नि, उसके साथ आकाश और पानी, ये सारी चीज़ों में उन्होंने क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को। ओके 5 बेसिक एलिमेंट्स उन्होंने बताए थे, ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं सारी चीज़ों से सारी चीज़ें बनी हुई है। ओके ये 5 मिलते हैं तभी कोई सामान बनता है, ये इंडिया के पहले वाले फिलोसफर्स का ऐसा कहना था। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स। अब उनका मानना था कि जितनी भी चीज़ें होती है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो इन्हीं चीज़ों से बनी हुई होती है, इन्हीं 5 चीज़ों से बनी हुई होती है। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एंड जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, ओके ग्रीक के जो फिलोसफर्स थे वो भी इसी सिमिलर क्लासिफिकेशन को देते हैं कि हाँ इसी प्रकार से जो इंडियन फिलोसफर्स का कहना वो बिल्कुल सही है। एंड मैटर का क्लासिफिकेशन जो है इसी प्रकार से होता है, मैटर जो होते हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों से बने हुए होते हैं। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। देखिए ये तो अर्ली टाइम्स की बात हुई थी, बट आज मॉडर्न साइंस की बात करें तो मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट है इन्होंने 2 टाइप का क्लासिफिकेशन किया है। ओके एंड किस किस बेसिस पे किया है मैटर का क्लासिफिकेशन, तो पहला उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे एंड दूसरा उनके केमिकल प्रॉपर्टीज पे, कि वो केमिकली किस प्रकार से होते हैं, ओके उनका केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वो कैसे दिखते हैं, ये आ गया फिजिकल प्रॉपर्टी में। ओके तो 2 बेसिस में उन्होंने क्या किया,
उसे क्लासिफाई किया है। पहला फिजिकल नेचर या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल नेचर या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मैटर को किस बेसिस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज में किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। बोला जा रहा है कि आगे के चैप्टर्स में हम लोग जो है वो केमिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में पहला आपको दिया गया है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बना हुआ होता है, इसका क्या रीजन है। एंड यहाँ पर जो है कॉन्ट्राडिक्शन भी चला है, यानी दो विचारधाराएं आपस में मिली है, उसके बाद कोई एक अच्छा सा कंक्लूजन निकला है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार की विचारधाराएं थी पहले वाले लोगों की। पहले वाले लोगों का क्या कहना था, टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। यानी दो विचारधाराएं थी। अब देखिए किसी भी चीज के लिए लोग जानते हैं दो विचारधारा होती है, कोई चीज अच्छा बोलता है कोई खराब बोलता है, लेकिन यहां पर वो केस नहीं था। यहां पर क्या था कि एक विचारधारा के लोगों का क्या कहना था कि मैटर जो होता है वो वुड के ब्लॉक के टाइप से बने हुए होते हैं। ओके, कोई मैटर जो होता है वो वुड के ब्लॉक टाइप के, जैसा वुड का ब्लॉक का शेप होता है, लकड़ी का गट्ठा का जो शेप होता है, उस प्रकार से बना हुआ होता है। वहीं पर एक विचारधारा के लोगों का क्या कहना था कि जैसे कि सैंड का पार्टिकल्स होता है ना, वो उस प्रकार से मैटर जो है उन सारे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। ओके, तो एक का कहना था ब्लॉक ऑफ वुड्स एंड एक का कहना था कि पार्टिकल्स लाइक सैंड, इन सारी चीजों से मिलकर के जो मैटर है वो बना हुआ है। दो विचारधाराएं थी, ओके, प्रचलित थी। इस बात को ध्यान रखें, दो विचारधाराएं जो है वो प्रचलित थी। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कंटीन्यूअस और पार्टिकुलेट। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे एक एक्टिविटी करना होगा। आपको आगे में एक एक्टिविटी 1.1 दिया गया है, एंड मैं आपको बता दूं कि आप लोग सारे एक्टिविटीज को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि एक्टिविटीज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद एंड जो कंक्लूजन निकलेगा, इससे आप लोग ये समझ पाएंगे कि जो मैटर है ना उसका क्या नेचर है, क्या वो कंटीन्यूअस है या फिर पार्टिकुलेट है। अब देखिए एक्टिविटी 1.1 में कहा गया है, ठीक है, 100 मिलीलीटर बीकर। बोला जाता है कि आप लोगों को 100 मिलीलीटर का एक बीकर लेना है। फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। आप लोगों को क्या करना है कि 100 मिलीलीटर का एक बीकर लेकर उसे आधा भर देना है, एंड जहां पर पानी होगा ना उसके लेवल का आप लोगों को मार्क कर लेना, जहां तक पानी होगा वहां तक का। ओके, डिसॉल्व सम साल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। अब आप लोगों को ग्लास रॉड की मदद से उसमें कुछ चीनी या फिर कुछ नमक जो है उसमें डिसॉल्व करना है, घोलना है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। क्या आपको वाटर के लेवल में कोई चेंज देखने को मिला? व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द साल्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि साल्ट को क्या हुआ, साल्ट कहां गायब हो गया। अब जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो आपको मेनली यही देखना होगा कि वाटर का लेवल चेंज हुआ या फिर नहीं, क्या वाटर ऊपर गया या फिर वाटर का लेवल घट गया। आप लोगों को बेसिकली इस एक्टिविटी में यही सर्च करना है। ओके, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। देखिए आपको यदि इस क्वेश्चन का आंसर करना है सही सही, तो आप लोगों को ये मानना पड़ेगा, इस चीज को आप लोगों को एकदम विश्वास के साथ कहना पड़ेगा कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बना हुआ होता है। What was there in a spoon, salt of sugar, now has spread throughout the water. अब देखिए उस समय हम लोग एक चम्मच चीनी मान लीजिए डाले होंगे, तो उस टाइम पीरियड पे जो भी चीनी चम्मच में था ना, अब वो पूरे वाटर में, पूरे पानी में घुल चुका है। वही इसके साल्ट के साथ भी हुआ कि पूरे पानी में। अब देखिए आप लोगों ने मान लीजिए एक चम्मच डाला चीनी, ओके, किसमें, पानी में, उसके बाद उसे घोल दिया। अब आप जब पूरी तरह से घोल देंगे, पूरी तरह से शुगर घुल जाएगा उसमें, तो आप पानी के कहीं भी किसी भी पार्टिकल को उठाएंगे, आप नीचे से पानी को उठाएंगे, ऊपर से पानी को उठाएंगे, एकदम बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आपको हल्का मिठास उसमें जरूर लगेगा, ज्यादा चीनी मिलाएंगे तो ज्यादा मिठास लगेगा। ओके, यानी जब चीनी या फिर नमक था वो अब चारों तरफ पूरे पानी में मिल चुका होता है। ओके, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हुआ, आप लोगों को हमें डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। ओके, क्या बोला गया है, व्हेन वी डिसॉल्व साल्ट इन वाटर, जब हम लोग पानी में साल्ट या फिर शुगर को मिलाते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं साल्ट के, वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस जगह होते हैं उनमें जाकर के अटक जाते हैं। ओके, जिसके चलते हम लोग को नमकीन या फिर मीठा पूरा पानी लगने लगता है, ये इसके पीछे का रीजन दिया गया है। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, आपको समझाया गया है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कितने छोटे होते हैं, उनका साइज क्या होता है। ओके, अब देखिए आप लोगों को एक्टिविटी दिया गया है। अब इस एक्टिविटी में कहा गया है, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। आप लोगों को 2-3 क्रिस्टल्स लेने हैं पोटेशियम पर मैंगनेट के, एंड उसे आप लोगों को 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में क्या करना है, डिसॉल्व कर देना है, घोल देना है। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 100 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 मिलीलीटर ऑफ क्लियर वाटर। अब आपको क्या करना है, आपने 100 मिलीलीटर लिया था, अब आपको क्या करना है, उसमें
10 मिलीलीटर को निकालना है एंड उस 10 मिलीलीटर को अब आप लोगों को डालना है 90 मिलीलीटर पानी में, यानी अब वो पानी जो होगा वो पूरी तरह से शुद्ध पानी होगा। ओके, पहले आप लोगों ने 100 मिलीलीटर लिया, उसके में आप लोगों ने डाला पोटेशियम वाला सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, उसका जो 100 ml का सॉल्यूशन बना उससे आप लोगों ने 10 ml निकाला एंड उसे अब आप लोगों को डालना है 90 ml वाले में। ओके, ये आपका एक्टिविटी है। आगे दिया गया है टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब आपको जो नया सॉल्यूशन मिला यानी 90 और 10 का, उसमें से आप लोगों को फिर से 10 ml निकालना है एंड इसे अब आप लोगों को 90 ml क्लीन वाटर में फिर से एक बार डालना है एंड अब आप लोगों को क्या करना है, इस सॉल्यूशन को लगभग 5 से 8 बार करते रहना है। ओके, क्या आप लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि वाटर कलर जाता है या फिर वाटर का कलर गायब हो जाता है, क्या धीरे धीरे वाटर वाइट हो जाता है 5 से 8 बार करने पर? तो आप लोग देखेंगे कि पोटासियम परमैंगनेट का जो छोटा सा क्रिस्टल होता है, थोड़े मोटे क्रिस्टल्स भी जो होते हैं, यानी लगभग वो 1000 ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर को भी क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। यानी छोटा 2-3 क्रिस्टल भी यदि हम ले लें पोटासियम परमैंगनेट का तो वो क्या कर सकते हैं, लगभग 1000 ल ऑफ वाटर को क्या कर सकते हैं, रंग सकते हैं, कलर कर सकते हैं उसमें। ओके, एंड पिंक कलर लगभग आता है इसमें, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए धीरे धीरे फेड होता है कलर, बट पिंक हो जाता है, पिंक टाइप का कलर होता है, पहले डार्क पिंक होता है फिर धीरे धीरे वो कम होता जाता है। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियन टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 crystal ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब आप लोग यदि इसे किए होंगे तो आप लोग इस चीज को आप समझ सकते हैं कि यदि हम लोग किसी छोटे क्रिस्टल की बात करें तो उसमें नहीं भी लगभग 1000-2000 टाइनी पार्टिकल्स रहते हैं, बहुत सारे लगभग मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स रहते हैं, 2000 नहीं मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स रहते हैं जो कि धीरे धीरे आगे जाते जाते हैं, यदि उसे कम भी करते जाते हैं तो भी वो आगे बढ़ते जाते हैं। यानी यदि मान लीजिए 1 million था, हम लोगों ने 10 ml लिया तो उसमें से 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल निकला बाहर, तो सोचिए कितना बाहर निकलता होगा। इसके चलते जो है वाटर आगे जाने पर भी, कम कम होने पर भी वो रंगता जाता है, वाटर का कलर जो है वो पूरा क्लीन वाटर की तरह नहीं हो पाता है, वो हल्का हल्का पिंक जो है कम होता जाता है बट पूरी तरह से वाइट नहीं हो पाता है। ओके, 5 से 8 बार में, इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। एंड यहाँ पर आप लोग इस एक्टिविटी को डिटॉल के हेल्प से भी कर सकते हैं, जबकि पोटेशियम परमैंगनेट नहीं अवेलेबल है तो आप लोग इसे डिटॉल से भी कर सकते हैं। एंड मैं तो आपको कहूँगा कि सारी एक्टिविटीज को करके देखना चाहिए स्टूडेंट्स, जब तक आप करेंगे नहीं ना आपको डाउट रहेगा, आप लोग 1-2 बार करके देखेंगे तो आपका डाउट जो है वो पूरी तरह से क्लियर होता चला जाएगा। ओके, एंड देखिए ब्लू बॉक्स में एक चीज़ लिखा गया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या दिया गया है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। बोला जा रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बहुत ज्यादा छोटे होते हैं एंड इतने छोटे होते हैं जिसको हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वो इतने छोटे होते हैं। अब आप सोचिए कि वो कितने छोटे होते होंगे। ओके, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते उसके बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर यानी मैटर के पार्टिकल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है वो आप लोग इस टॉपिक में जानने वाले हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी मैटर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जगह होती है, स्पेस होती है। ओके, इन एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ सुगर साल्ट डिटॉल पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। देखिए यदि आप लोग ने एक्टिविटी 1.1 को 1.2 को अच्छे से समझा होगा तो आप लोग इस चीज को देखे होंगे कि सुगर का पार्टिकल, सॉल्ट का पार्टिकल या फिर डिटॉल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल जो है वो क्या होता है, वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, जब हम लोग टी बनाते हैं यानी चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, उसके साथ साथ नींबू पानी बनाते हैं, उस समय भी क्या होता है कि एक तरह का मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो दूसरे पार्टिकल के स्पेस में जाकर के अटक जाता है, उसके साथ घुल जाता है। ओके, ये हम लोग को दिखाता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इनफ स्पेस होता है, एक अच्छी जगह होती है उनके बीच में, जिसके चलते दूसरे टाइप के पार्टिकल ऑफ मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो जाकर के उसमें अटक जाते हैं। ओके, अब आप ही सोचिए कि मान लीजिए हम लोगों ने पानी में चीनी को खोला, यदि पानी में चीनी पूरी तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो हमें तो एक ही साइड का पानी मीठा लगेगा, बाकी क्लीन वाटर की तरह लगेगा, बट ऐसा नहीं होता है। ओके, हम लोगों को पूरा का पूरा पानी मीठा लगता है, तो यही इसके पीछे का रीज़न होता है कि वो जो चीनी होता है, वो जो नमक होता है, वो जो नींबू होता है, वो क्या होता है कि पूरे पानी के जितने पार्टिकल्स है उन सभी में जल जाता है, क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है। एंड हम लोग जानते हैं कि छोटे से क्रिस्टल में भी कितने सारे बिलियन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ओके, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आता है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटीन्यूअसली मूविंग। अब मैटर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो
कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब ऐसा हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी आप लोगों को यहाँ पे दो एक्टिविटीज और दिए गए हैं, आप लोग सारे एक्टिविटीज को अच्छे से समझते जाइएगा। 1.3 हम लोग समझते हैं। 1.3 में कहा गया है पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन कॉर्नर ऑफ योर क्लास। बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती को एक कॉर्नर ऑफ द क्लास में रख देना है। यदि आपके पास आप क्लास नहीं जा रहे हैं, ओके, ये सब क्लास में एक्सपेरिमेंट होता नहीं है, आपको बेसिकली इसे घर में करना होगा। अगर आप चाहें तो आप इसे घर में कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बिना जलाए हुए एक अगरबत्ती को रखना है, ओके, साइड में घर के कोने में बिना जलाए हुए एक अगरबत्ती को रख देना है। क्लास में जब कर रहे हो तो क्लास में भी ऐसा रख सकते हैं। अब आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि कितने दूर तक उस अगरबत्ती की सुगंध आपकी नाकों में पहुँच रही है, यानी कहाँ तक रहने पर आप लोगों के नाक में उस अगरबत्ती की सुगंध पहुँचती है। आप लोगों ने एक बार नोट कर लिया कि हाँ इतने दूर तक मुझे उसकी सुगंध आ रही है, ओके। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपेंस, अब आपको क्या करना है, उस इंसेंस स्टिक उस अगरबत्ती के कांटे को आप लोग को जला देना है। अब क्या होता है, क्या आप लोगों को एक डिस्टेंस पर बैठने पर उसकी सुगंध आ रही है। मान लीजिए आपने एक कॉर्नर पर रखा एंड आप दूसरे कॉर्नर में पहुंच गए, या फिर आप लोग एक साइड ऑफ फार्म में रखते हैं एंड आप लोग एकदम बहुत लंबे रूम के एकदम साइड में चले जाते हैं, ओके, तो वहां तक क्या आपको उसकी सुगंध पहुंचती है, यह आप लोगों को ऑब्जर्वेशन में लिखना है। आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा, क्या आपको उसकी सुगंध दूर तक फैली जलाने पर, और क्या हुआ जब आप उसे नहीं जलाए थे, कितने दूर तक, क्या डिस्टेंस था वहां तक आप लोगों को उसकी सुगंध आ रही थी बिना जलाए हुए, एंड क्या डिस्टेंस था जब आप उसे जलाते हैं, एंड कहां तक उसकी सुगंध जो आपके नाकों में पहुंचती है, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी में दिया गया है टेक टू ग्लास बीकर्स फिल्ड विद वाटर, आप लोगों को दो ग्लासेस लेने, दो ग्लासेस इस टाइम लेना है, ओके, और आप बीकर भी ले सकते हैं और उन दोनों बीकर में पानी होना चाहिए, ओके। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन सेकंड बीकर। अब आपको क्या करना है कि ब्लू या फिर रेड इंक का आप लोगों को उसमें ड्रॉप डालना, एक ड्रॉप आप लोगों को डालना केयरफुली, एंड आप लोगों को क्या करना है फर्स्ट बीकर के साइड में डालना है, ओके, और हनी डालना है उसी वे में सेकंड बीकर में। फर्स्ट बीकर में आप लोगों को रेड और ब्लू इंक डालना है, या फिर हम लोग बोल सकते ब्लैक इंक भी डाल सकते हैं, मेनली लोग यहाँ पे रेड और ब्लू कहा गया है तो रेड और ब्लू ही डालिएगा, ओके। फर्स्ट वाले में आप लोगों को रेड और ब्लू इंक डालना है साइड में, एंड आप लोगों को दूसरे वाले बीकर में क्या करना है, दूसरे वाले बीकर में आप लोगों को यहाँ पे शहद डालना है, हनी डालना है, ओके, सेम वे में। नेक्स्ट आता है कि आप लोगों को लगभग क्या करना है, उसे कुछ देर के लिए छोड़ देना है, अनडिस्टर्ब छोड़ देना, उसे आपको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ओके। अब आप जब इंक ड्रॉप को उसमें डालते हैं तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, आपको ऑब्जर्वेशन के रूप में लिखना है, एंड जब आप हनी डालते हैं तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को इसमें लिखनी है। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। अब आपको बताना है कि इंक को पूरे वाटर में स्प्रेड होने में कितने घंटे लगे या फिर कितने दिन लगे, ये आप लोगों को आपके ऑब्जर्वेशन में लिखना है, ओके। ये सारे खुल करके देखना होगा स्टूडेंट्स, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में एक्टिविटी को करके बताइएगा कि कितना देर लगा था, ओके, क्योंकि देखिए बहुत बेसिक सा एक्टिविटी है। पेन का इंक तो सभी के घर में रहता है, ओके, उसके साथ साथ आप लोगों के पास शहद भी रहता ही होगा, तो आप लोग इस एक्टिविटी को करके देखिएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको ये एज अ होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग इस एक्टिविटी को करें एंड आप लोग अच्छे से समझ पाएं कि इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं आपको समझने में कठिनाइयाँ जरूर आएगी। एक्टिविटी 1.5 में कहा गया है ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटासियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। आप लोगों को कॉपर सल्फेट या फिर पोटासियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालना है, किसमें डालना है, पहले आप लोगों को हॉट वाटर में डालना है एंड उसके बाद आप लोगों से कोल्ड वाटर में डालना है, ओके, यानी एक बीकर में आप लोगों को ठंडा पानी लेना है एंड एक बीकर में आप लोगों को गर्म पानी लेना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ग्लास बीकर होना चाहिए। डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन को बिल्कुल भी स्टिर नहीं करना है, घोलने का प्रयास नहीं करना है। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम, आपको इस चीज के लिए अलाउ करना होगा जो क्रिस्टल्स है ना वो नीचे जाकर के बैठ जाए पानी में, ओके। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल्स इन ग्लास, व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेस, What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? बोला जा रहा है कि आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, ओके, क्या होता है जैसे जैसे समय बीतता जाता है क्या देखने को मिलता है, एंड इससे हम लोगों को क्या सजेशन मिलता है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स थे वे सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे उनका क्या स्वरूप है, ओके, ये आप लोगों को बताना है। क्या रेट ऑफ मिक्सिंग जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, यदि होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है। यदि हम लोग इसके ऑब्जर्वेशन की बात करें तो आप लोग इस चीज़ को देखेंगे कि जब हम लोग हॉट वाटर में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को डालते हैं तो हॉट वाटर में ब्लू कलर जो है वो थोड़ा फास्टर रेट पे क्या होता है डिजॉल्व होता है। आप बोल सकते हैं कि ब्लू कलर जो है वो हॉट वाटर में देखने को मिलता है, इस
बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, इसलिए कहा जाता है कि जब पार्टिकल्स को, वाटर के पार्टिकल्स को हीट किया जाता है, ओके, तो जो कॉपर सल्फेट होते हैं उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिलता है एंड वो फास्टली मूव करते हैं। एंड जब वो फास्टली मूव करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ इजिली और क्विकली मिल पाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हॉट वाटर में कॉपर सल्फेट जो है वो जल्दी ब्लू कलर इम्पार्ट करता है, जल्दी ब्लू कलर जो है वो फैलाता है। अब देखिए कंक्लूजन दिया गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग दैट इज द पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। एंड जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं एंड उनमें काइनेटिक एनर्जी आती है। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है पार्टिकल्स फास्टली मूव कर पाते हैं, एंड जैसे जैसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के वो इंक्रीज करते जाते हैं, जिसके चलते मैटर जो है फास्टली मूव करने लगता है एंड कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। इन द अबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। बोला जा रहा है कि हम लोग जब इन तीनों एक्टिविटीज को अच्छे से करेंगे तो हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से। दे डू सो बाय गेटिंग into the space between the particles and we अपने आप में मिल करके, यानी उसके बीच पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं, जो जगह होता है उनके बीच में, वो आपस में मिल जाते हैं उसमें जाकर के, ओके, उसमें एंटर कर जाते हैं। एंड ये जो इंटरमिक्सिंग होता है दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर का, ओके, इसे हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन है। ओके, आप लोग ऐसे समझिएगा कि जो प्रोसेस हुआ इंटरमिक्सिंग का, ओके, दो पार्टिकल्स, दो डिफरेंट मैटर के दो पार्टिकल्स जब आपस में मिक्स कर गए, ओके, या फिर बहुत सारे पार्टिकल्स मिक्स कर गए, तो हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पर डिफ्यूज हुआ है। एंड जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यानी हीट करते हैं, तो जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो फास्टली होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आया है यहाँ पे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए समझते हैं एक्टिविटी 1.6 से कि ऐसा कैसे होता है। एक्टिविटी 1.6 में तो बोला गया है, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक फोर ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। आप लोगों को इसे फील्ड में खेलना होगा, चार ग्रुप्स बनाने होंगे ह्यूमन चेन्स के, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इरू मिशमी डांसर्स। आप लोगों को क्या करना है, पहले ग्रुप वाले को क्या करना है, बैक से यानी पीछे से लॉक आर्म्स को लॉक करना है, कि पीछे की तरफ से आर्म्स को लॉक करना है, जैसे कि इदू मिशमी के डांसर्स करते हैं। द सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन्स, एंड जो सेकंड ग्रुप होगा वो क्या करेगा कि हाथ को पकड़ेगा ह्यूमन चेन को फॉर्म करने के लिए। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाई टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स, एंड जो थर्ड ग्रुप होगा वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ फिंगर टिप को टच करते हुए एक ह्यूमन चेन फॉर्म करेगा, ओके, बनाएगा। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन एंड ट्राई टू ब्रेक द थ्री ह्यूमन चेन्स वन बाई वन, एंड जो चौथा ग्रुप होगा वो क्या करेगा, चौथा ग्रुप का जो स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, दौड़ेगा एंड उन तीनों ह्यूमन चेन्स को तोड़ने की कोशिश करेगा, ओके, जितने जितने छोटे छोटे ग्रुप में वो तोड़ सके उसे। तो अब आप ही लोग बताइए कि उन तीनों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप जो है वो फास्टली टूटेगा। तो इसका आंसर होगा कि जो ज़्यादा फोर्स के साथ होगा वो थोड़े लेट से टूटेगा, वहीं पर जो स्मॉल फोर्स के साथ यानी फिंगर टिप वाला जो पार्ट था वो जल्दी टूटेगा, ओके, क्योंकि वहाँ पर उतना फोर्स नहीं लगा है एंड उतना अट्रैक्शन भी नहीं हुआ है, यानी कम अट्रैक्शन होने पर जल्दी जो है वो पार्टिकल्स बिखर जाते हैं, ओके। तो जब भी चौथे ग्रुप का स्टूडेंट जा करके उस तीसरे ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को यानी फिंगर टिप टच के स्टूडेंट्स को तोड़ने का कोशिश करेगा, तो वो दूसरे ग्रुप की तुलना में उस तीसरे वाले ग्रुप को जल्दी से जल्दी तोड़ पाएगा, ओके, ये इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्टिविटी 1.7, टेक एन आयरन नेल ए पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड। आप लोगों को एक आयरन नेल लेना है, एक पीस ऑफ चॉक लेना है, उसके साथ साथ एक रबर बैंड लेना है। आप लोगों को हैमर से कट करके और स्ट्रेच करके यानी उसे खींच करके तोड़ने की कोशिश करनी है। इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। अब आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस, आप लोग इस चीज को गौर किए कि कौन सा इन तीन सब्सटेंस में किसके बीच के पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्टेड थे, ओके, एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स आयरन नेल, क्योंकि देखिए पीस ऑफ चॉक आप लोग ब्रेक कर पाएंगे, ओके, कट कर देंगे उसे, या फिर आप लोग उसे खींच के भी तोड़ देंगे, घुमा के भी तोड़ देंगे, तो बहुत सारे तरीके हैं। रबर बैंड को आप खींचेंगे तो टूट जाएगा। बट यदि हम लोग बात करें
आयरन नेल की, तो उसे तोड़ना खींच करके या फिर घुमा कर में कहा गया है ओपन ए वाटर टैप टाइप बेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। आपको क्या करना है, नल को खोलना है एंड उससे जो पानी गिर रहा होता है, जब स्ट्रीम ऑफ वाटर गिर रहा होता है उसे आप लोगों को अपने फिंगर से तोड़ने की कोशिश करना है। आप लोग क्या इसे कर पाएंगे, क्या आप लोग स्ट्रीम को तोड़ पाएंगे, क्या होता है, क्यों वो आपस में फिर से जुड़ जाते हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्टिविटी 1.6, 1.7 और 1.8 में ये बताया गया है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं, ओके, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक फोर्स होता है एंड वो जो फोर्स है वो उन सारे पार्टिकल्स को एक सेम वे में चलाते रहता है, उन सारे को एक हम लोग बोल सकते हैं टुगेदर रखता है, एक साथ रखता है। एंड हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि उनके बीच का जो स्ट्रेंथ होता है अट्रैक्शन का, वो डिफरेंट मैटर में अलग अलग हो सकता है, यानी किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है। अब नेक्स्ट आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के क्या स्टेट्स होते हैं, वो किस स्टेट में लाई करते हैं। चलिए देखते हैं, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। आपको क्या करना है, अपने आसपास में जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर रहते हैं उनके आप लोगों को स्टेट्स को देखना है अच्छे तरीके से, उनके क्या क्या डिफरेंट स्टेट्स हो सकते हैं ये आपको बताना है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको देखेंगे कि हम लोग जो एयर ब्रीथ करते हैं वो गैसियस फॉर्म में हो गया, वो भी मैटर है। हमारे आसपास में जैसे कि हमारा पेन हो गया वो सॉलिड फॉर्म में है, उसके अंदर का जो इंक हो गया वो लिक्विड फॉर्म में है, पानी हो गया वो लिक्विड फॉर्म में है। तो तीन चार हम लोग बोल सकते हैं तीन स्टेट्स है, हम तीन चार चीज को भी देखते हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि तीन स्टेट्स हमें बेसिकली देखने को मिलता है। पहला होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड तीसरा गैस। सॉलिड में बता दूं कौन कौन सा आ जाएगा, वुड आ जाएगा, ओके, पेन ये सब आ जाएगा। यदि हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में आप लोगों का तेल आ जाएगा, पानी आ जाएगा, ओके। यदि हम गैसियस की बात करें तो LPG, CNG ये सारे गैस है, तो गैसियस में ये सब आ जाएंगे। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, ये तीनों के बारे में, यानी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अब डिटेल में क्या क्या जानना होगा कि उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में जाननी होगी, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट के साथ। सॉलिड स्टेट का एक एक्टिविटी दिया गया, एक्टिविटी 9, collect the following articles, a pen, a book, a needle and a piece of wooden stick. आपको क्या करना है, इन चारों articles को, एक pen को, एक book को, एक needle को, उसके साथ साथ एक wooden stick को collect करना है, okay? आपको उसके पूरे shape को क्या करना है, sketch करना है अपने notebook में pencil के help से। क्या इन सभी का एक डिफिनाइड शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होते हैं एंड एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्या हो रही थी, इन्हें हैमर किया जाए, इन्हें पुल किया जाए, खींचा जाए, फिर इन्हें गिरा दिया जाए, तो क्या ये एक दूसरे में डिफ्यूज कर जाएंगे। यानी मान लीजिए हम लोग ऐसा यहाँ पे पूछा गया है कि हम लोग क्या हो, यदि हम लोग एक पेन और एक बुक को एक साथ गिरा दे, क्या पेन जो है वो बुक बन जाएगा, या फिर बुक जो है वो पेन के रूप में चेंज हो जाएगा, या फिर पेन जो है वो बुक के अंदर चला जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमें मिलन नहीं होगा इन सारी चीज़ों का, ओके। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम लोग यदि पेन गिराएंगे, बुक गिराएंगे तो बुक पेन बन जाएगा, पेन बुक बन जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है, वो यहाँ पे कहा गया है, ओके। क्या वो एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, डिफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पर, ओके। आप लोगों को उन सारे को क्या करना है, फोर्स लगा के कंप्रेस करने की कोशिश करनी है। क्या आप लोग उसे कंप्रेस कर पाएंगे, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ऑल द अबव एग्जांपल्स आर ऑफ सॉलिड्स। अब ऊपर में जितने भी एग्जांपल्स दिए गए थे ये सारे सॉलिड्स के एग्जांपल थे, ओके। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव डिफाइंड शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अब यहां से सॉलिड्स का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट हो गया है, यहां से आप लोग अंडरलाइन करना शुरू कीजिएगा। ऑल सॉलिड्स हैव अ डिफाइंड शेप, सभी सॉलिड्स का एक डिफाइंड शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होते हैं, उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, उसके साथ साथ हम लोग उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। टेंडेंसी होता है कि वो अपने शेप को हमेशा मेंटेन करके रखते हैं, जब भी उनमें कोई बाहर से फोर्स लगाया जाता है, जब फोर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो सॉलिड जो है वो टूट जाते हैं, बट उनके शेप को चेंज करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए वो रिजिड होते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे कुछ केसेस दिए गए हैं, उसे कंसीडर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट अबाउट रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड? क्या रबर बैंड एक सॉलिड है, क्योंकि देखिए जब हम लोग उसे खींचते हैं तो उसने शेप को तो चेंज कर लेता है, तो क्या वो एक सॉलिड हुआ? बी में कहा गया है, व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट, व्हेन वी कीप इन डिफरेंट जार, दे टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? क्या हम लोग शुगर और सॉल्ट को सॉलिड कह सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग उसे जार में रखते हैं तो वो अपने शेप को उस जार के रूप में ढाल लेते हैं, यानी उस जार के शेप में वो आ जाते हैं। देखिए यदि हम लोग इन दोनों क्वेश्चन का आंसर की बात करें, एक और क्वेश्चन से समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि स्पॉन्ज के बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्या वो एक सॉलिड है, हम लोग उसे
कॉम्प्लेक्स तो कर पाते हैं, यदि सॉलिड है तो क्यों है। ओके देखिए, एक रबर बैंड जो है वो अपनी शेप को तो चेंज करता है फोर्स के अंदर, और उस सेम शेप को रिगेन कर लेता है जब उस फोर्स को हटा लिया जाता है। यदि ज्यादा फोर्स लगा दिया जाए तो वह टूट भी जाता है। ओके अब यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं चौक का एग्जाम्पल, चौक भी तो सॉलिड ही है। अब ऐसा नहीं है चौक कभी टूटता नहीं है, यदि आप उसे ज्यादा फोर्स देंगे उसमें उसका एक लिमिट फोर्स है ना कि हाँ इस फोर्स तक वो नहीं टूटेगा, बट जिस फोर्स में वो टूट जाएगा यदि आप सही में उस फोर्स को अप्लाई करेंगे वो सही में टूट जाएगा। ओके तो यहाँ पर शेप चेंज हुआ रबर बैंड का, वो बात अलग है, बट यदि बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया गया तो वो टूट भी जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके नेक्स्ट आता है कि शुगर और यदि हम लोग साल्ट की बात करें तो यदि हम लोग एक शुगर के एक दाने की बात करते हैं तो वो सॉलिड होता है। ओके उसका जो शेप होता है ना वो फिक्स रहता है, भले ही हम लोग बहुत सारे शुगर को ले आए, एक किलो चीनी ले लेते हैं उसे किसी जार में डाल देते हैं, सिलेंड्रिकल जार है तो सिलेंडर का शेप ले लेगा। ओके यदि हम लोग उसे कोनिकल जार में डाल रहे हैं तो कोनिकल शेप ले लेगा, ये मैटर नहीं करता है। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे छोटे पार्टिकल की कि उसका क्या शेप है। सबसे छोटा क्रिस्टल हम लोग शुगर का लेंगे, उसका क्या शेप है, क्या उसके शेप को हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। ओके हम लोग उसे प्लेट में रख दे या फिर जार में रखते, अपने हाथ में रखे, कहीं भी रखे, उसका शेप तो सेम रहेगा ना क्रिस्टल का। ओके भले जार में बहुत सारी चीनी को रखने पर उसका शेप चेंज हो जाता है। ओके ये स्पॉन्ज जो होता है ना उसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाता है, एंड जब उसे दाबते हैं प्रेस करते हैं ना तो एयर जो वो बाहर आता है, जिसके चलते हम लोग बोलते हैं कि वो वहां पे कंप्रेसिबिलिटी देखने को मिली। देखिए स्पॉन्ज में छिद्र होते हैं छोटे छोटे जिसके अंदर एयर होता है, एंड जब हम लोग स्पॉन्ज को दाबते हैं तो वो एयर बाहर आ जाता है जिसके चलते शेप चेंज होता है। ओके तो वो भी एक सॉलिड ही है, बट यहाँ पर एयर के चलते वहाँ पे हम लोग कंप्रेसिबिलिटी देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो गया है। सॉलिड स्टेट में बेसिकली आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स दिए जाएंगे, एंड यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस के टाइप में दिया गया था ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ दूसरा रबर बैंड की जगह कुछ चौक का एग्जांपल यूज कर दिया जाए तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा। कॉन्सेप्ट को समझिए, जब कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं आएगा आपको दिक्कतें होंगी, कॉन्सेप्ट एक बार आ जाएगा आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बिना सोचे समझे लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स आज के स्टूडियो में इतना ही, आगे के टॉपिक्स यानी लिक्विड स्टेट्स नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दिया जाएगा तो आप लोग आगे के पार्ट्स को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगे के सारे टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेट हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद ये जानेंगे कि क्या मैटर अपने स्टेट को भी चेंज कर सकता है, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये हो सकता है या फिर नहीं, तो वो सारे टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, एंड आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप लोग जाकर के SSTN अदर सब्जेक्ट की वीडियोस को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा, मैंने सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।